बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। आज हम आपके लिए एक मज़ेदार और लजीज रेसिपी लेकर हाजिर है। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन 1 kg, एक दरमियाने साइज का प्याज, 10 से 12 जवे लहसुन के, 1 कप पानी और 1 teaspoon नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज और लहसुन को डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं 1 kg चिकन, नमक 1 teaspoon, पानी 1 कप और ये लहसुन और अदरक जो हमने फाइनली चॉप किया है ये हम इसमें डाल देते हैं। ये डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाते हैं। इतनी देर में चिकन भी गल जाएगा और लहसुन अदरक भी जो है वो नरम हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसकी भुनाई और बकाया मसाला जात बताती हूँ। रहमान रहीम, ये देखिए चिकन को पकते हुए 4 मिनट हो गए। लहसुन और प्याज जो है वो मुकम्मल तौर पे गल चुका है और पानी भी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। अब ये 1 कप ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें डालते हैं और घी डाल के इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है। मैं 3 से 4 मिनट भून के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है, इसमें घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें पकाया मसाला जार जो है वो डालने शुरू करते हैं। 3 से 4 अदर हरी मिर्चें जो है वो मैंने फाइन चॉप करके इसमें डाल दी हैं। ये देखें अगर आपको मसाले में नज़र आ रही है, मैंने इसको चॉपर में डाल के फाइन चॉप की है, वो इसमें डाली है थोड़ा सा स्पाइसी लुक देने के लिए। पकाया मसाला जार जो हम डालेंगे वो इसमें है वाइट पेपर 1/2 teaspoon, जीरा पाउडर 1/2 teaspoon, खुश्क धनिया पाउडर 1/2 teaspoon, चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon, ये ब्लैक पेपर है मेरे पास 1/2 teaspoon, ये मैंने सबसे एंड पे डाली है क्योंकि अभी डालूंगी तो ये हमारी चिकन को ब्लैक कर देगी, इसलिए हमने इसको ब्लैक ही करना, इसको वाइट रहने देना। ये सबसे एंड पे हमने डालना है जब हमने चूल्हा बंद करने लगे। ये खोपड़ा पाउडर है, ये 1 tablespoon हमने डालना है। खोपरा पाउडर या नारियल पाउडर जो भी इसको आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। क्रीम जो है वो 5 tablespoon वो हमने इसमें डालनी है और चूल्हा जो है वो आहिस्ता कर लेना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वाइट चीज़ें डालते वक्त हमेशा चूल्हा जो है वो आहिस्ता कर ले, चाहे आप दूध डालनी है, चाहे क्रीम डालनी है, चाहे आपने दही डालनी है, हमेशा चूल्हा आहिस्ता करके उसमें डालें। हमारी कढ़ाई जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, देखिए इसमें घी छोड़ दिया है। अब ये 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर जो था वो हम डालते हैं और ये 6 से 7 अदद हरी मिर्चें लेके मैंने इस तरह उनको लंबी लंबी काट ली हैं दरमियान में से, ये थोड़ी सी डालते हैं और थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेते हैं। अब इसको सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए दम पे रखूंगी तो फिर हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार है, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार है। घी इसमें छोड़ दिया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। माशाल्लाह ये फाइनल इसकी लुक है। अब मैं इसको डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फाइनल चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक जो है वो रेडी है। अब हम इसकी थोड़ी सी ये अदरक जो मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ था इसकी गार्निश करते हैं। ये हरी मिर्चें जो मैंने छोड़ी थी वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। हमारी टेस्टी और मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो रेडी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।